क्या राजनीति में होते हैं षड्यंत्र या षड्यंत्रों से शुरू होती है राजनीति? मैं बताऊंगा आपको राजनीति के पीछे की बात। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश में हो रहे बवाल पर बोलते हुए बागपत के सांसद सतपाल सिंह ने देश की तमाम जनता, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, से अपील की है कि किसी भी धर्म या जाति बिरादरी के लोगों के खिलाफ नहीं है, इसलिए गलत अफवाहों के चक्कर में आकर बवाल ना करें, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल, ये जो बिल उन लोगों के लिए है, पास हुआ है जो तीन इस्लामिक देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर देश से निकाला गया है। उन शरणार्थियों को जल्द से जल्द नागरिकता दिलाने और संरक्षण के लिए आप पास हुआ है, ताकि उन 12 साल के बजाय 6 साल में ही नागरिकता दी जाए। जो यूनिवर्सिटीज हैं, 106 यूनिवर्सिटी जहाँ से लड़कियाँ आई हैं, जो बॉक्सर्स हैं, 186 यूनिवर्सिटी से जहाँ से लड़के आए हैं, ये उनके बॉक्सिंग के लिए कंपटीशन यहाँ हो रहा है। और इसलिए मैं बागपत की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे देश से आने वाले इन मुक्केबाज, इन खिलाड़ियों का, इन बॉक्सर्स का, सबका मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज में खेलने वाले ये बच्चे यहाँ से जो जीत करके जाएंगे, आगे जा करके अपनी संस्था का और अपने देश का नाम, अपना एशियन खेलों में और ओलंपिक खेलों में मेडल जीत करके रोशन करेंगे।